हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फाइनली आज वो दिन आ ही गया है जिसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वो कौन सा दिन था? तो आज हमने एक ट्रेड लिया अपने जीवन में पहली बार, ठीक है, और उसमें भी हमें प्रॉफिट मिला है। तो कितने लॉट साइज से हमने इसको बाय किया है, क्या प्राइस पे बाय किया है, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे स्क्रीन पे, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पे जो ट्रेड है नहीं लिया है। इसके पहले मैंने बहुत सारी पेपर ट्रेडिंग की है और पेपर ट्रेडिंग में भी मेरा जो रिज़ल्ट है वो 8:1 है, मतलब 8 times मुझे प्रॉफिट हुआ है और सिर्फ एक बार लॉस हुआ है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं मैंने कितने लॉट से यहाँ पर आज ट्रेड लिया था और उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। जैसे आप सभी ने तो थंबनेल देख ही लिया होगा, ओके, तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, जो सेंटर में स्क्रीन दिख रही है उस पर ध्यान देना है, ओके। तो आज था 16 नवंबर, आज था एक्सपायरी डे निफ्टी 50 का, ओके। तो मेरे ट्रेड लेने के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि 3 बजे से लेके 3:30 या 3:15 बजे तक जितना भी निफ्टी ऊपर जाएगा थोड़ा उसके बाद में ना नीचे आएगा, ये मेरे मन को लग रहा था, ठीक है। तो मैं थोड़ा बाहर गया था आज, सो लगभग 2:30 बजे के आसपास मैं आ गया। फ्रेश होने के बाद में हो रहे थे 3:02, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो ट्रेड लिया था वो 3:03 पे लिया था, ओके। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो 19,750 पे मैंने पुट ऑप्शन बाय किया था, ओके। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये जो मैंने शेयर बाय किया है वो सिर्फ 50 पैसे में किया है। कितने में? सिर्फ 50 पैसे में, ठीक है। तो 4 लॉट से हमने ये बाय किया था। एक लॉट मतलब होता है 50 क्वांटिटीज, तो 4 लॉट मतलब हो जाएगा 200 क्वांटिटीज, ओके। तो एक शेयर हमें कितने में आ रहा था? सिर्फ 50 पैसे में। तो एक लॉट में कितना होता है? 50 शेयर्स, ठीक है, या 50 क्वांटिटीज़ कह लीजिए। तो 50 क्वांटिटीज़ की जो प्राइस हो जाएंगी वो हो जाएंगी कितनी यहाँ पे? 25 रुपये। और मेरे पास सिर्फ 100 रुपये पड़े थे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 100 रुपये से 4 लॉट बाय किए। तो 4 लॉट हमें यहाँ पे आए हैं 100 रुपीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बाद में मतलब 3:04 पे आप देख सकते हो 0.80, मतलब जो 0.50 पैसे पे मैंने जो बाय किया था उसकी वैल्यू बढ़ गई 30 पैसे से, 30 पैसे 25 पैसे, इसलिए आपको यहाँ पे 60 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा मैंने और यहाँ पे वेट करना चाहा और देखते हैं हम कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कम ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि और ये यहाँ से नीचे जाएगा, ओके। चलो देखते हैं। और सो फ्रेंड्स, आप में से कोई यदि हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और आपने भी आज मेरी तरह कोई ट्रेड लिया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए अभी हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो लगभग 300 के आसपास हो रहा है और यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो देख रहे हैं आप 1.40, ठीक है। थोड़ा और वेट करते हैं क्योंकि अभी सिर्फ कितना हुआ है, 3:06 हो रहे हैं, ठीक है। तो 3:09 तक वेट करेंगे, मतलब और यहाँ से 3 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद में हम एग्जिट हो जाएंगे, ओके। देखो अभी यहाँ पे फिर से कम हो गया है प्राइस, ठीक है, 1.10, मतलब 1.15 रुपये, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है 140, 170, 160 के आसपास, लेकिन हम प्रॉफिट में ही हैं। थोड़ा और वेट करते हैं, 2 रुपये चल रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा वेट करना ज़रूरी होता है मार्केट में। यदि आप नए हो तो आप क्या करते रहते हो, यहाँ पर गड़बड़ कर देते हो, ठीक है, थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। पूरी कैंडल बनने तक आपको वेट करना है, उसके बाद ही आप डिसाइड कर ले कि आपको और वेट करना है, एग्जिट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2.70 पे सेल कर दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ ₹440 का, और आप यहाँ पर देख सकते हो और भी ये बढ़ रहा है,
मतलब अभी इसकी करंट प्राइस जो चल रही है वो चल रही है 3 रुपीज़, ठीक है।